एक रन जुड़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले ओवर की पहली बॉल पर ही ललित ने जोर का झटका दिया था, माही को डगआउट आना पड़ा था बिना खाता खोले। और उसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज यही कोशिश करते हुए कि किस तरह धीरे धीरे एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी पनपाई जाए। और बिना कुछ बोए तो आप कुछ काट नहीं सकते, जब आप कुछ अच्छा बोएंगे उसके बाद ही आप कुछ काट सकते हैं। दूसरा ओवर चालू है, ये भी खूबसूरत नजारा। पिता गेंदबाजी करता हुआ और पुत्र विकेट कीपिंग करता हुआ, इस बार फिर से एक रन आया, अच्छी बॉल थी। इस बार ईट का जवाब पत्थर से दिया गया, गैप में खेला गया स्ट्रोक, अच्छी टाइमिंग के साथ बेहतर शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। चार रन निकलते हुए बल्लेबाज भारत का इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फील्डिंग की पाबंदियां लागू हैं। वन बाउंस इनटू द फेंस, एक और चार रन मिलता हुआ भारत रंका को, और इस चार रन की सहायता से हरन की टीम पहुंच चुकी है 19 रन पर। इस बार उसी कोशिश में, उठाकर खेलने की कोशिश में पकड़े गए मिड ऑन के क्षेत्र में बाएं हाथ के बल्लेबाज मलेश सालेचक होगा। इस बार मौका था और उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा भाग कर रन लेने में बिलीव नहीं करता, बाउंड्रीज मेरी पसंदीदा खेल में शामिल सबसे बड़ा हथियार। कमाल की टाइमिंग, टाइमिंग अच्छी थी, लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन पार नहीं जाएगी, लेकिन सागर राज की लाख कोशिश के बावजूद एक खूबसूरत टाइमिंग बड़ा देखने को मिला बल्लेबाज मनीष के बल्ले से। इस बार भारत के लिए ये बॉल सवाल पूछा जा रहा है और हम भारत को आना होगा डगआउट की राह पे। तुरंत बैट दिखाया गया था कि एज लगा है, लेकिन अंपायर की वहां पे अलग ही सोच। भारत रंका भी एक अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक ऐसा लगा था कि अब बेहतर नजर आ रहे हैं, और ये तब आउट हुए जब कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे थे। निशांत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कल के दिन भी अपनी गेंदबाजी से सभी लोगों को आकर्षित किया था, और हरन फाल्कन्स के बल्लेबाज अभी भी कोई भी बेहतरीन स्ट्रोक खेलने में नाकाम है। भारत ने कोशिश जरूर की थी, इस बार यह बेहतरीन कलात्मक स्ट्रोक, इसी का इंतजार था, और अब जाकर मास्टर स्ट्रोक, छौका निकलता हुआ कैप्टन के बल्ले से। वाणी गोताकांती आए हैं गेंदबाजी करने, धीमी गति की गेंद, बैकफुट पर जाकर आसानी के साथ पिच की गहराई का इस्तेमाल किया और ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। इस एक रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए 9.1 ओवर के बाद 50 रन पूरे। इस बार सैंडी के बल्ले से निकलता हुआ सनसनाता हुआ स्ट्रोक सीमा रह के बाहर, एक सिक्सर निकलता हुआ कैप्टन संदीप के बल्ले से। इसलिए किया गया होगा कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था इनकी टीम के ऊपर उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश थी संदीप की, और उसके बाद जब सेटल हो गए कुछ बाउंड्रीज लग गई, फील्ड थोड़ा सा फैल गया, गेंदबाजों के शोल्डर थोड़े से झुके, तो फिर अब आसानी से सिंगल्स डबल्स जुटाते हुए आक्रमण होगा संभवतः 15 ओवर के बाद, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों ही बल्लेबाज कोई मूड में नजर नहीं आते हुए।
कहीं अगर मौके भी मिल रहे हैं तो उसको भी ढकेल दे रहे हैं आसानी से सिंगल्स डबल्स के लिए। आने वाली बल्लेबाजी में कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है, ये तो हरन फैल्कन्स की टीम को ही पता होगा। इस दरमियान क्या विकेट, जी हाँ, बेहद ही खामोशी से जोर का झटका लगा, बेहद ही आसानी से कॉटन बॉल अपने ही फॉलो थ्रू में, बेहतरीन कैच लेकिन गेंदबाज द्वारा, आसान नहीं था, बॉल लो थी लेकिन इतने शानदार अंदाज से उस कैच को पकड़ा, बेहद ही आसानी से। ये आखिरी बॉल और एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक इनफील्ड के खिलाड़ी को भेदा गया और जैसे ही गेंद ने इनफील्ड को भेदा तो उस बॉल पर चार रन की मुहर लगी थी। पृथ्वीराज जी कोठारी और सुखराज जी नाहा ने शानदार कोशिश की और इसी दरमियान सिक्स आप कह सकते हैं सबसे लंबा सिक्सर ये निकला संदीप के बल, संदीप सेठ यहां पे बेहद ही लाजवाब स्ट्रोक। इस बार जोरदार अपील और तुरंत उस अपील को स्वीकारा, 103 पर पांचवा झटका लगता हुआ हरन फैल्कन्स के बल्लेबाज आउट होकर मोबाइल की तरफ। इस बार और ये गेंद मुंबई पुलिस जिमखाना के बाहर सीधा जाती हुई सिक्सर, लॉन्ग हाई एंड हैंडसम। एक सौ तेरह 113 ये है स्कोर, 18वां ओवर चलता हुआ, कुछ गेंदे ही अब आनी बची हैं इस इनिंग में। बल्ला घूमा जरूर लेकिन गेंद की लाइन में नहीं गए थे, जोरदार अपील और उस अपील को अंपायर ने स्वीकारा अंत में और एक और विकेट गिरता हुआ 113 पर छठा बल्लेबाज आउट। लौटा निशांत को मिली है सफलता। इस बार आते ही साथ गेंद कहीं और, बल्ला घुमा जरूर लेकिन गेंद सीधा स्टंप पर जाकर टकराती हुई, एक और बल्लेबाज आउट बोल्ड के रूप में, ये सातवां विकेट हरन फैल्कन्स का। ऑन ए हैट्रिक पर गेंदबाज, तीन मौके अब तक ऐसे आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर जब गेंदबाज ऑन ए हैट्रिक पर पहुंचे हैं लेकिन अब तक एक भी हैट्रिक कंप्लीट नहीं हो पाई है भीनमाल प्रीमियर लीग के अंदर। 113 इस बार हवा में गेंद है, ऑन हैट्रिक पर थे से पहले लेकिन अब जाकर ओवर हैट्रिक कंप्लीट होती हुई, तीन विकेट इस ओवर में निशांत के नाम, 113 पर एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ। ऊंचा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा स्टंप पर टकराती हुई और अब संदीप का भी विकेट गिरता हुआ, नौवां बल्लेबाज आउट होगा 113 नौ विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद देख लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है यहां पर, डायरेक्ट हिट बल्लेबाज को खतरे में डालेगा, जान बची वहां पर बल्लेबाज की, एक रन मुकम्मल हुआ, 103 पर छठा विकेट गिरा था। रफ्तार भरी गेंद कीपर से मिस हुई और मुफ्त के रन मिलते हुए बाएं का इशारा अंपायर की तरफ से और चौका, गेंद सी मरिया के बाहर, रन कैसे भी आए रन आने जरूरी, चौका निकलता हुआ बाएं के रूप में। ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग में, कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आरएसबीएल बैनर पर जाकर लगती हुई, एक और चौका। और इन दोनों बल्लेबाजों के स्ट्रोक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अंतिम ओवर में भी कम से कम 10 रन तो और बनेंगे।
कांति की गेंद, कीपर से मिस हुई और उमेश उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं, बाउंड्री लाइन के पास जाकर उस गेंद को फील्ड किया, अच्छी कोशिश, अंतिम समय में गेंद को रुकाया गया, दो रन मुकम्मल होता हुआ। इस बार बेहतरीन गेंद, बैकफुट पर गए और गेंद सीधा स्टंप पर जाकर टकराते हुए 126 रन पर ऑल आउट होती हुई टीम हरन फैल्कन्स की। 127 विल बी द टारगेट अगेंस्ट इवांटा वॉरियर्स। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी, चलिए पता लगाते हैं क्या होगा। सेकेंड इनिंग में गेंदबाज तैयार हो रहे हैं पहली गेंद के साथ और दोनों सलामी बल्लेबाज रेडी हैं। रक्षात्मक अंदाज से पहली गेंद को खेला गया, डिफेंस किया गया, किसी रन की गुंजाइश नहीं। जी हाँ, कुछ इस तरह से लगभग लगभग मौका मिल चुका था, कैच ड्रॉप हुआ, चेहरे पर मुस्कान जरूर है गेंदबाज के रितेश शाह के, लेकिन आपको बता दूं कि ये मुस्कान सिर्फ चेहरे तक ही सीमित है, दिल तक नहीं। लो फुल टॉस बॉल, गैप में खेला गया, अच्छी टाइमिंग के साथ बिजली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए पहली बाउंड्री निकलती हुई इवांटा वॉरियर्स की टीम के लिए और ये चार रन आए बल्लेबाज विशाल गोवानी के बल्ले से। थोड़ा सा आगे लिया गया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को, लेकिन पॉइंट के खिलाड़ी को बीट किया गया और कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। पावर प्ले के ओवर चालू है, डीप में कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं, चार रन मिलता हुआ चौका निकलता हुआ और रणनीति साफ नजर आती हुई, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे अंपायर ने कबूला अपील को और जाना होगा कांति वानी के तक हो लगाउट की राह पे, पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे हरन फैल्कन्स की टीम को दूसरे। शानदार, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन बस देखते रह जाएंगे। लाजवाब, बेहद खूबसूरत सागर, कमाल की टाइमिंग, बेहतर शॉट, अच्छा प्लेसमेंट, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, कैप्टन के बल्ले से निकलता हुआ चौका। कहां थे अभी तक, कल क्यों नहीं आए आप आगे खेलने के लिए, और यहां दिखाया विशाल ने कि ये लीजिए एक और बेहद ही खूबसूरत स्ट्रोक चार रन के लिए। गेंदबाजों की मेहनत को कभी भी धुलने ना दे, जाया ना होने दे। इस बार सीधा पकड़े गए स्टंप के सामने, अंपायर ने तुरंत कबूला और विशाल से कहीं ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं सागर रायसोनी। विशाल का विकेट गिरा है लेकिन सागर कहीं ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर में खेला, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, गेंद जमीनी जमीनी सैर करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, एक और चौका सागर रायसोनी के बल्ले से। चलता हुआ ये मुकाबला, इस बार फुल टॉस, खराब गेंद थी, उठाकर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, अंतिम समय में गेंद हाथ में लगने के बाद जमीन पर गिरती हुई सागर रायसोनी को एक जीवनदान यहां पर मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद को लंबा प्रहार किया था, फुल टॉस गेंद पर इस बार फुल टॉस गेंद ही समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद स्टंप पर जाकर टकराई है सागर रायसोनी, अभी तक समझ नहीं पा रहे क्या हुआ इस बार, और गेंद सीधा स्टंप पर जाकर टकराई और एक और विकेट गिरता हुआ, एक और जोरदार झटका अजीबोगरीब अंदाज में सागर रायसोनी आउट होगा पवेलियन की तरफ, तीसरा झटका 52 के स्कोर पर।
आधा खेल खत्म हुआ और सेकंड इनिंग का महिपाल आ रहे हैं 11 ओवर लेके और स्ट्राइक पे मौजूद हैं बल्लेबाज उमेश। उमेश भीमानी के लिए ये गेंद हल्के से खेला उस गेंद को और फाइन लेग के क्षेत्र पे एक रन वहां पर मौजूद। धीरे धीरे सही लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज एवंटा वॉरियर्स की टीम को अपनी टीम को मंजिल की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हुए आधा सफर अभी तक मुकम्मल हुआ है, आधा सफर बाकी है। हम आ चुके हैं 11वें ओवर में। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पे। आगे आकर उस गेंद को लो फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया गया कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। फिर से एक रन मिलता हुआ, एक एक रन तो बेहद ही आसानी से ले रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, कोई भी प्रेशर नहीं इनके ऊपर, बेहद ही आसानी से। इस बार गैप में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है लेकिन काफी ज्यादा दूर, चौका निकलता हुआ इस दफा और सिंगल्स डबल्स अब 4 रन में तब्दील होते हुए। इस 4 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 82 रनों पर। 82 रन के साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ 13वां, 13 गॉन 82 फॉर 3। इस बार तेज गति की गेंद करने की कोशिश और उतना ही तेज बल्ला आया बैट पर, मैक्सिमम कोई मौका नहीं, आउट ऑफ द पार्क। हाथ के बल्लेबाज ललित जैन के बल्ले से निकला। आपका टेम्परामेंट, आप दिमाग से कितने मजबूत है, आपकी सोच कितनी मजबूत है, सब कुछ दिखाता है। और इस रन की सहायता से ही 100 अप होते हुए 100 रन मुकम्मल होते हुए एवंटा वॉरियर्स की टीम का। इस बार अच्छी गेंद लेकिन वो भी तब्दील हो गई 4 रन में। इस बार आगे आकर खेला गया स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी डीप पे मौजूद नहीं और बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन सीमा रेखा को चीरती हुई एक और चौके के लिए। अब ये दोनों बल्लेबाज एक्सीलेंट भी करते हुए गियर शिफ्ट करते हुए और अब जानते हैं कि जीत बेहद ही करीब नजर आती हुई। और खेल का इसी दरमियान बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में ललित जैन जीत के बेहद करीब पहुंचते हुए जब मात्र 3 रन और बनाने थे अपना विकेट गंवा अंदर बल्लेबाजी, जीत अब बस 3 कदम दूर एवंटा वॉरियर्स से। सागर राय सोने के लिए भी राहत देने वाली बात, कल के दिन एक मैच गंवा चुके थे लेकिन आज गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने सभी ने अच्छा काम किया। और क्या ये गेंद इनको विजय तक पहुंचा देगी, बाउंड्री लाइन के आसपास रुका गया जी नहीं है सिद्धार्थ नाम, 2 रन मुकम्मल हुए और इन दोनों के साथ स्कोर्स ऑल लेवल। और ये निकला विजय स्ट्रोक सिद्धार्थ के बल्ले से, नॉट आउट रहे वहां पे उमेश भीमानी। ललित जैन ने शानदार बल्लेबाजी की, गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया और ओवरऑल पूरी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस एवंटा वॉरियर्स द्वारा शानदार अंदाज से इस मैच को जीत लिया है 6 विकेट हाथ में रखते हुए। चलिए अब मैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए उस खिलाड़ी से निवेदन करता हूं विद अ ग्रेट ऑनर एंड विद अ ग्रेट प्राइड, ललित जैन से। ललित आगे आ जाएं। फ्रेंड्स 36 रन्स, वो भी ऐसे मुसीबत की हालत में जब टीम को बेहद जरूरत था और 2 कीमती विकेट 36 रन। ललित को जाता है मैन ऑफ द मैच और इस मैन ऑफ द मैच को देने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पृथ्वीराज कोठारी के बड़े भाई मौजूद हैं उनके शुभ कर कमलों से ललित को याद है मैन ऑफ द मैच, ताली एक बार फिर से हो जाए। ललित 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 ललित, इसके पहले कि आप जाएं बस मेडल पहनाया जाएगा ललित को।
ये सम्मान है जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत कुछ जाता है। ललित बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ललित बातें क्यों ना हो जाए, कैसा लग रहा है इस मैच को जीतने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, कल का जो डिप्रेशन था वो आज पूरा निकल गया है। आज सोचा था नीचे से खेलना है, ऊपर से खेलना ही नहीं है कोई भी हालत में। टीम को जीत दिला नहीं दी आज कोई भी हालत में। सूरज जी आपके लिए। चलिए ललित आपने बहुत कुछ कह दिया की बात में, अगले मैच के लिए मुबारक। और एक ट्रॉफी आती हुई यहाँ पे, इनाम की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं। भीनमाल प्रीमियर लीग में गिफ्ट वाउचर है न्यासा की तरफ से, एप्पल का। तालियां हो जाए जोरदार यार। और अब नाहर मेडिकल सेंटर की तरफ से निकांशु दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत मेहनत किया निकांशु ने, पृथ्वीराज जी कोठारी की देखरेख में। निकांशु के लिए मैं एक बार कहूंगा जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। कांग्रेस ललित इसी तरह का परफॉर्म करते रहे। थैंक यू वेरी मच। चलिए ये यहाँ से रहा इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ से, फिर मिलेंगे हम अगले मैच की कहानी को बताने के लिए। तब तक आप एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए भीनमाल प्रीमियर लीग कोठारी एंड नाहर कप।